साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। हम बात करेंगे भाई, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, अभी हम बात करेंगे मिशन वंदे भारत द्वितीय चरण की। हम बात करेंगे कि भाई पहले तो गल्फ से कंट्रीज से रिलेटेड 64 फ्लाइटें का उड़ान का जो सिस्टम बनाया गया है, अभी 15 मई से स्टार्ट होगा द्वितीय चरण वंदे भारत 2। इसमें कहाँ कहाँ से बंदे कैसे कैसे आएंगे, इस डिटेल पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं साथियों, अबू धाबी से 2 फ्लाइट आ चुकी हैं, 81 यानी 380 के करीब इंडिया बंदे पहुंच चुके हैं। ढाका से पहुंच चुके हैं 168 बंदे श्रीनगर, सिंगापुर से 234 बंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये तो फ्लाइटें हैं जो इंडिया में अभी लैंड कर चुकी हैं, बंदे इंडिया आ चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा साथियों कि द्वितीय चरण जो 15 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें 14 हवाई अड्डों को मतलब निश्चित किया गया है। 14 हवाई अड्डे वो हैं जो जिस तरह से ये पूरा सर्कुलर बनाया गया है कि भाई जो बंदे जहाँ जहाँ गए उनके आसपास का आपको सुविधा दी जाए, ताकि आपको जब घर जाना हो तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो 14 हवाई अड्डों को चिन्हित किया गया है, जिनमें छोटे मोटे हवाई अड्डे भी हैं। समझ लीजिए कि छोटे छोटे हवाई अड्डे उनको भी शामिल किया गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मान लीजिए वहाँ की संख्या है ज़्यादा, तो छोटे हवाई अड्डों को लेना ज़रूरी है। बंदा राजस्थान का और उसको पहुँचा दे बॉम्बे तो फिर मुश्किल होता है ना आने के लिए, कितना डिस्टेंस का दूरी पड़ता है, 2000 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। तो उसी हिसाब से छोटे हवाई अड्डों को भी चिन्हित किया गया है। कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूं, ताकि हो सकता है कि आपके आसपास के हो तो आपको थोड़ा संतुष्टि मिल जाए। इसमें देखिए साथियों, बोध गया एक एयरपोर्ट को शामिल किया गया है, तिरुपति एयरपोर्ट को शामिल किया गया है, गुवाहाटी, बागडोगरा, लखनऊ, श्रीनगर, चंडीगढ़ को भी इसमें शामिल किया गया है, श्रीनगर को भी इसमें शामिल किया गया है, बागडोगरा और गुवाहाटी, यानी ये 6-7 तो मेरे पास में है, बाकी 14 एयरपोर्ट इसमें शामिल किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सरकार की पूरी तैयारी है, पूरा सिस्टम ताम झाम सब कुछ रेडी है, जिसमें मेडिकल टीम, स्वास्थ्य टीम या फिर क्वारंटाइन की जगह अब रहने का पूरा जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा तैयार गवर्नमेंट की तरफ से कर लिया गया है। अब मैं बता दूं कि इन जो मिशन टू के अंदर जो द्वितीय चरण से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 68,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था इंडिया के जो वेबसाइट है उसके ऊपर। उनमें से कौन सी राज्य के कितने बंदे हैं मैं आपको बता देता हूं। अभी भाई हर चीज में केरल आगे ही, आपको पता है केरला के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए केरल सरकार की मजबूरी थी कि वो सबसे पहले कदम उठाए, क्योंकि वहां के लोग इंडिया में सबसे ज्यादा हैं। केरल के हैं 25,246, यानी 68,000 में से 25,246 अकेले केरल से हैं। तमिलनाडु से हैं 6,617 बंदे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। महाराष्ट्र से बात करें तो 4,341 बंदे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले। उत्तर प्रदेश से बात करें तो 3,715। राजस्थान की बात करें 3,320। तेलंगाना की बात करें 2,796, यानी 2,800 बंदे आप मान सकते हैं। कर्नाटक की बात करें तो 2,786। आंध्र प्रदेश की बात करें 2,445। गुजरात की बात करें 2,330। दिल्ली की बात करें 2,232। यानी ये बंदे जो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है पूरी मतलब घर आने के लिए, कि भाई हमें घर आना है। अब जो द्वितीय चरण होगा, इनको 64-65 लगभग इतनी फ्लाइटों से लाया जाएगा। 14 हवाई अड्डों पर तैयारी कर ली गई है, यहीं इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको पता ही है भाई, टिकट का पैसा आपको लगेगा, क्वारंटाइन का खर्चा गवर्नमेंट बोल रही है आपका लगेगा, बाकी आप वहां से फिर रह के घर जाओगे वो भी खर्चा आपका लगेगा। ठीक है साथियों, जितनी जानकारी मेरे पास थी, आगे इसमें और भी मेरे पास जानकारी जो है विदेश से रिलेटेड, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखें, ताकि हम आपको आगे बता सकें। आगे टॉपिक पे हम बात करेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, कि भाई कौन सी स्टेट में कितनी फ्लाइटें उड़ने वाली हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, आगे वाले टॉपिक पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ये द्वितीय चरण का वीडियो था 15 मई से जो स्टार्ट होने वाला है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।